नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 17 वर्षीय महिला पहलवान के पिता ने कहा है कि उन्होंने आरोप वापस नहीं लिए हैं। पीड़िता के पिता ने INS से बात करते हुए कहा कि उनके आरोपों को वापस लेने के संबंध में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वह फर्जी है। उन्होंने कहा कि हम अपने बयान पर कायम हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इंडिगो रैंकिंग 2023 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की। इसमें कई विश्वविद्यालय और संस्थानों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में IIT कानपुर को 5वीं रैंक मिली है, जबकि शीर्ष पर IIT मद्रास है। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर के शीर्ष पहलवान लंबे समय से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की नेता बबीता फोगाट ने पहलवानों के द्वारा किए जा रहे विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए देश के शीर्ष पहलवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ हेराफेरी की जा रही है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के लिए CBI जांच की मांग हो रही है। ये मांग रेलवे की ओर से की गई है। अब इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका मानना है कि इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण श्रम बाजारों में परेशानी आने की चेतावनी दी है। साथ ही नीति निर्माताओं को प्रौद्योगिकी को संचालित करने के लिए नियमों को जल्दी से तैयार करने का आह्वान किया है। भारत में नई सहकारिता नीति को जुलाई में लागू किया जा सकता है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह को पूर्व मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 49 सदस्यीय कमेटी ने सोमवार को न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी ड्राफ्ट सौंपा। कमेटी के सिफारिशों के आधार पर एक संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर नई पॉलिसी बनाई जाएगी। पिछले महीने RBI ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। 23 मई से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कि सितंबर के आखिरी महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान आम लोग अपने 2000 रुपये के नोट को या तो बदलवा सकते हैं और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। बता दें कि बैंकों में 2000 रुपये नोट लाने वालों के बीच काफ़ी बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। बैंकों की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आम लोग बैंकों में 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने की जगह बैंक डिपॉजिट करा रहे हैं। BJP नेता विजय गोयल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर महिला से मारपीट के आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर कर गोयल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। वहीं विजय गोयल ने इस वीडियो को झूठा करार दिया है। गोयल ने कहा है कि उन्होंने महिला को थप्पड़ नहीं मारे हैं, यह झूठा प्रोपेगेंडा है। भारत और अमेरिका ने हथियारों और उपकरणों की लंबे समय तक आपूर्ति व्यवस्था के लिए 2 अहम समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने सैन्य मंचों और उपकरणों के साथ मिलकर विकास करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देने के वास्ते रक्षा औद्योगिक सहयोग की महत्वाकांक्षी रूपरेखा तय की है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक ढांचे और एक पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर बातचीत शुरू करने का भी फैसला किया है, जो लंबी अवधि की आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता को बढ़ावा देगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर आज अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पर कीर्तन सम्पन्न हो गया। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सचिवालय में पहुंचे। यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने श्री हरमिंदर साहिब परिसर में आपत्तिजनक नारे लगाए। वही ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान देश की एकता व अखंडता को कायम रखते हुए शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों तथा निर्दोष लोगों के आत्मिक शांति के लिए शिव सैनिकों द्वारा हवन यज्ञ करवाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हवाई किराए में जारी उछाल के बीच सरकार ने विमानन कंपनियों से किराए को वाजिब स्तर पर रखने के लिए एक व्यवस्था बनाने को कहा है। एयरलाइन सलाहकार समूह की एक घंटे तक चली बैठक में नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में कुछ खास हवाई मार्गों पर किराए में आए उछाल को लेकर चिंता जाहिर की है। भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर से देश की जनता को बड़ी राहत दे सकता है। यह राहत ब्याज दरों में बढ़ोतरी से मिली है। बता दें कि इसी हफ्ते RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली, यह बैठक 6 से 8 जून तक होगी। RBI 8 जून को MPC पॉलिसी रेट की घोषणा करेगा। जानकारों की माने तो इस बार पॉलिसी रेट में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। दरअसल महंगाई RBI के टॉलरेंस लेवल से नीचे है। अप्रैल में खुदरा महंगाई 18 महीने के निचले स्तर पर थी। वहीं खुदरा महंगाई दर मई में भी 5% से नीचे रहने का अनुमान है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि RBI ब्याज दर को ना तो बढ़ाएगा और ना ही घटाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक अगर तिलहन के निर्यात पर एक नज़र डाले तो आंकड़ों से पता चलता है कि भारत तिलहन के मामले में अभी काफ़ी पीछे है। देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपये के तेल और तिलहन का आयात किया जाता है।
साल 2013-14 में भारत ने 44,38.04 करोड़ के वनस्पति तेल का आयात किया था, जो साल 2022-23 में बढ़कर यह आंकड़ा 1,67,269.99 करोड़ रुपए का हो गया है। इससे साबित होता है कि देश तिलहन के उत्पादन में अभी भी काफ़ी पीछे है। यदि तिलहन का प्रोडक्शन बढ़ता तो आयात के आंकड़े में कमी आती, पर यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को देश की प्रमुख बीमा कंपनियों ने बड़ी राहत दी है। अब मृतकों के परिवारों को नॉमिनी की क्लेम राशि के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। SBI लाइफ सहित कई बीमा कंपनियों ने ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों को फौरन वित्तीय राहत देने के लिए दावों के प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने की घोषणा की है। मालूम हो कि बालासोर में शुक्रवार रात को हुई इस ट्रेन दुर्घटना में 275 लोगों की जान गई, जबकि 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इसका नतीजा है कि शहर, गांव और कस्बों में प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में घटा है। जन सहभागिता की बदौलत ही 2016 के मुकाबले 2022 में राजधानी में PM 2.5 और PM 10 में से 30% की कमी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस ने सोमवार को भारत के बारे में एक बयान जारी किया। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए अमेरिका ने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है, और अगर किसी को भी इस पर शक है तो वो नई दिल्ली जाकर खुद को इसे देख सकता है। व्हाइट हाउस ने भारत में लोकतंत्र की चिंताओं को खारिज कर दिया। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद मरने वाले कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई भारी चोट नहीं आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि कम से कम 40 ऐसे शव निकाले गए हैं जिनको दिखाई देने वाली चोट नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि संभव है कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन पर ओवरहेड केबल गिर गई, जिसके बाद इसमें करंट फैल गया। भारत में बने हैवी वेट टॉरपीडो की मंगलवार को कोची में सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली गई। टॉरपीडो ने पानी के अंदर चलते हुए सीधे टारगेट को हिट किया। इंडियन नेवी ने कहा कि यह भारतीय नौसेना और DRDO की अंडर वाटर डोमेन में बेहतरीन हथियार बनाने में एक मील का पत्थर है। हिमाचल प्रदेश जाने वाले टूरिस्टों और लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 8 जून से दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली लेह पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। परिवहन निगम बीते साल की तुलना में इस बार 7 दिन पहले इस रूट पर बस सेवा आरंभ करने जा रहा है। इसके बाद देश की राजधानी से लोगों को सीधे लेह के लिए बस सुविधा मिलेगी। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लक्षद्वीप के ऊपर सोमवार सुबह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। इसने केरल में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना को और पीछे धकेल दिया। मॉनसून की उत्तरी सीमा बीते 4 दिनों से एक ही जगह पर अटकी हुई है। अरब सागर में जो बादल पश्चिमी हवा के साथ केरल की ओर बहुत धीमी गति से बढ़ रहे थे, वे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की ओर खिंच गए हैं। ये बादल केरल की ओर से कम हो गए हैं। हरियाणा के सोनीपत के एक राजकीय स्कूल में तैयार हुई एक वेब सीरीज में अत्यंत आपत्तिजनक सीन को लेकर हंगामा मच गया है। इस वेब सीरीज में हालांकि स्कूल के नाम का एक अक्षर बदल दिया गया है, लेकिन स्कूल का लोगों व बच्चों की वर्दी से बहुत कुछ पहचान में आ रहा है। अश्लील दृश्य और गाली गलौज तो इसमें है ही, साथ ही बच्चों को हॉस्टल में सिगरेट और शराब पीते दिखाया गया। यहां तक कि इसमें एक छात्रा से शिक्षक अश्लील मांग तक करता नजर आया है। विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन ने शूटिंग करने वाली कंपनी व इसके निदेशकों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एक बार फिर से NI की टीम की रेड डाली जा रही है। NI के लोग मुक्तसर के अबोहर बाईपास पर रहने वाले एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। हालांकि इस रेड को लेकर किसी तरह की कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। दुनिया के सबसे चर्चित मीडिया हाउस में से एक BBC इनकम टैक्स के निशाने पर आ गई है। ब्रिटिश मीडिया BBC पर 1 फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर शिकंजा कसा था। BBC के दिल्ली मुंबई के दफ्तर आयकर विभाग के सर्वे के दायरे में आ गए। मीडिया कंपनी पहले लगातार टैक्स चोरी के आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन अब उनसे पूर्व में कम टैक्स भरने की बात को स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हत्या और सबके साथ रेप करने के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। वहीं देश में सबके साथ रेप करने का कानून नहीं होने का हवाला देते हुए रेप के मामले में बरी कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि सब न तो बोल सकता है और न ही विरोध कर सकता है, इसलिए यह जिंदा व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह उसके लिए आवाज़ उठाए। BJP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कड़े शब्दों में कहा कि औरंगजेब का नाम लेने वालों को बख्शा नहीं जाए। बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में दरगाह की रैली के दौरान औरंगजेब की फोटो के साथ कुछ युवकों ने डांस किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में यह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब भाषा के अबाध उपयोग का लाइसेंस नहीं है।
कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया वैश्विक प्लेटफॉर्म है, यह लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करने का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी विशेष जिम्मेदारी और कर्तव्यों के साथ मिलती है। कोर्ट ने कहा है कि यह नागरिकों को गैर जिम्मेदाराना रूप से बोलने की स्वतंत्रता नहीं देती है, न ही यह भाषा के हर संभव अबाध उपयोग की आज़ादी देती है। सूरीनाम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया। साउथ अमेरिकी देश सूरीनाम का दौरा करने पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मान हासिल करने के बाद कहा कि यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि भारत के लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में भारतीय रुपये में निपटान की अनुमति दी थी। यह यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण रूस को भुगतान के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के पृष्ठभूमि में एक रणनीतिक निर्णय था। साथ ही भारतीय निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय रुपये को मजबूत करने का समर्थन करना था। यह बात स्वदेशी जागरण मंच की एक बैठक में सामने आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऐलान किया कि वह अब उसका बैंक F&O कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार के बजाय शुक्रवार को एक्सपायर होगा, यानी कि ट्रेडर्स को कॉन्ट्रैक्ट बुनाने के लिए अब एक अतिरिक्त दिन मिलेगा। NSE ने मंगलवार 6 जून को इसकी घोषणा की है। यह बदलाव 7 जुलाई से लागू हो जाएंगे। गुरुवार को एक्सपायर होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट अब शुक्रवार को शिफ्ट हो जाएंगे। नई घोषणा के अनुसार फर्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी 14 जुलाई को होगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, अमन कुमार, संजय चौधरी, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बालासोर ट्रेन हादसे में CBI जांच होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।